नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव में अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों, सबसे पहली बात में हम देखते हैं मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अंतःस्रावी तंत्र है ये कार्य करता है। ये ग्रंथियाँ अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं क्योंकि इनमें कोई भी नलिका नहीं होती है। इन ग्रंथियों के स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। और आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, दूसरी पीयूष ग्रंथि, तीसरी पीनियल ग्रंथि, चौथी है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिव्रक ग्रंथि, थायमस ग्रंथि और वर्षण ग्रंथि और अंडाणु ग्रंथि या अंडाशय ग्रंथि होती है। ये सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। दोस्तों, इसमें सर्वोच्च कमांडर की ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कल हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि की, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन शरीर की सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथि होती है, वो सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि होती है, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। दोस्तों, आगे देखें तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों होती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि इंसुलिन व ग्लूकागॉन नामक हार्मोन बनाती है। दोस्तों, ये शरीर के अंदर भी अपने स्राव अपने जो हार्मोन से वो स्रावित करती है और शरीर के बाहर भी अपने हार्मोन से वो स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो मधुमेह रोग है वो हो जाता है, डायबिटीज की बीमारी होती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा, जो 11 मई 2020 आज की जो डेट है उसके लिए अंतःस्रावी तंत्र का था। हम आगे आने वाले टॉपिकों में अलग अलग ग्रंथियों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा? हमारा टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ और हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें, तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता हमारे चैनल को मिल रही है। हम सब मिलकर, हमारे जितने भी 215 जो सब्सक्राइबर हैं, हम सब मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए जिससे हमारी उम्मीद है वो सफलता की तरफ बढ़ती रहे और हम नए नए टॉपिक हैं वो लेके आते रहें। दोस्तों, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा इस पे आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, जय हिंद।